अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों। रोज़ाना जो है वो इर्द गिर्द हमारे बेशुमार जो है वो कहानियाँ बिखरी रहती हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। बात यह है कि अगर ख़बरों की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि YouTube के ऊपर जो है वो आप सब ख़बरों की तलाश में आते हैं। यकीनन यहाँ पर हर आदमी फ्रेश होने के लिए आता है और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आता है, और हम अछूती कहानियाँ या जो है वो कुछ हैरत अंगेज़ कहानियाँ जो है उनको सुनना चाहते हैं हमेशा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए कुछ अनोखा, कुछ अछूता, कुछ ऐसा लेके आऊँ जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। तो उसमें किस हद तक कामयाब रहता हूँ ये तो आप कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। बहरहाल, लेकिन आज की जो कहानी है वो है शाहनवाज़ की, शाहनवाज़ अब्बासी। अब आप ये पूछेंगे शाहनवाज़ अब्बासी कौन है। शाहनवाज़ अब्बासी एक नौजवान है जिसके वालिद जो है वो स्टफिंग का काम करते हैं। मतलब आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जानवर जो होते हैं उनकी खालों में भूसा भरने के बाद उनकी डमीज़ और उनके मॉडल्स बनाए जाते हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं देखने में। तो शाहनवाज़ के वालिद वो काम करते हैं और शाहनवाज़ अपने वालिद के साथ जो है वो ये काम करता रहा है काफ़ी अर्से तक। फिर अचानक शाहनवाज़ के जहन में एक अछूता ख्याल आया। शाहनवाज़ ने किया ये कि शाहनवाज़ ने बकरीद के दौरान जो है जो जानवर बकरीद पे ज़िबा किए जाते हैं, क़ुरबान किए जाते हैं, उनके पायों से, उनके पैरों से और उनके सरों से जो है वो शाहनवाज़ ने मॉडल्स तैयार किए। जिस तरह आप ये समझेंगे गायें जो है उसके सींगों को इस्तेमाल करते हुए कुछ डिफरेंट किस्म के मॉडल्स, कुछ शो पीसेस जो है वो शाहनवाज़ ने तैयार की, और बिल्कुल एक अछूता आइडिया था। और आप ये स्टोरी में यही देखेंगे ये शाहनवाज़ ये सब किस तरह करते हैं। तो चले हम इस कहानी की तरफ चलते हैं। ये है नौजवान शाहनवाज़ अब्बासी। शाहनवाज़ अब्बासी की उम्र महज 28 साल है। शाहनवाज़ के ग्रैंड पेरेंट्स और वालिद टैक्सी डर्मी का काम करते हैं। अच्छा, टैक्सी डर्मी के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि टैक्सी डर्मी एक ख़ास किस्म का आर्ट होता है जिसमें जानवरों के मरने के बाद उनकी डमीज़ बनाई जाती हैं। एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से उन जानवरों को गुजारा जाता है और फिर उनकी डमीज़ बना दी जाती हैं जो कि बिल्कुल देखने में असली लगती हैं। और ये टैक्सी डर्मी का आर्ट जो है इसे शाहनवाज़ अपने वालिद से सीखते भी हैं, और इसी आर्ट को सीखने के दौरान शाहनवाज़ के दिमाग में एक अछूता आइडिया आया। हुआ कुछ यूँ कि अभी थोड़े अरसे पहले जब बकरीद जो है गुजरी है तो शाहनवाज़ ने सोचा कि क्यों ना कुछ अछूता किया जाए, और इस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कुर्बानी के जानवरों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि उनके पाए, उनके सींग, उनको लेकर शोपीस में तब्दील कर डाला। शाहनवाज़ जानवरों के पायों के बहुत खूबसूरत टेबल लैंप्स, टेबल्स और न जाने क्या कुछ बनाते हैं। इसी तरह जानवरों के हॉर्न जो उनके सींग होते हैं उन सींगों को भी मुख्तलिफ शोपीस में तब्दील कर देते हैं, और ऐसे खूबसूरत शोपीस के आदमी देखे तो अश अश कर उठे। ये मनाजर शाहनवाज़ के कमरे के हैं जहाँ जा बजा टैक्सी डर्मी का आर्ट आपको नज़र आएगा। लेकिन इस टैक्सी डर्मी के आर्ट के साथ साथ शाहनवाज़ के अछूते आइडियाज भी आपको जा बजा नजर आएंगे। चूंकि शाहनवाज़ शादीशुदा हैं तो उनका कहना है कि इस हवाले से उनको अपनी बेगम की जानिब से मुखालफत का सामना भी रहा, क्योंकि उनकी बेगम कहती थी कि ये क्या अजीब गरीब काम लेकर आप बैठ गए, ये कोई काम है। लेकिन जब उन्होंने शाहनवाज़ के आर्ट को मुकम्मल होते देखा तो फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये बहुत ही कोई खूबसूरत किस्म के पीसेस बनाते हैं। तो इस हवाले से हम आपकी शाहनवाज़ से ख़ुद बात करवाते हैं और आपको बताते हैं कि शाहनवाज़ ने किस तरह जो है ये सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में किस तरह से आए और किस तरह से उन्होंने अपने आइडियाज़ को अमली जामा पहनाया। तो हम चलते हैं और आपकी बात करवाते हैं शाहनवाज़ से, जो कि हमें थोड़ी सी तफसील बता रहे हैं।
मेरा नाम शाहनवाज अब्बासी है और मैं जो है वो गायें बकरे जो इनके हेड वगैरह होते हैं ये स्टफिंग का काम है यानी इसकी स्किन वगैरह का काम है मेरा, तो और लैम्प्स वगैरह ऑन वगैरह तो ये सारी स्टफिंग का काम है मेरी। मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 2 साल पहले जो है वो मैं कहीं से गुजर रहा था तो मैंने एक गाय के पैर देखे, ब्लैक एंड वाइट गाय थी और उसके पैर देखे बड़े खूबसूरत थे, तो मेरे एक दिमाग में ये आइडिया आया कि यार इसके पैर को क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए किसी तरह के लैम्प वैम्प में, तो मैंने वो उससे फिर एक लैम्प क्रिएट किया उसके पैर से। ये इसका जो गाय वगैरह वगैरह का ये जैसे लैम्प वगैरह का जो मेरे दिमाग में आया ऐसे आया कि मेरे वालिद साहब करते हैं ये काम, तो मुझे अपने वालिद साहब को देख के ये काम समझ में आया कि यार मतलब इस तरह का लैम्प वगैरह भी बन सकता है। मैंने फिर नेट पे देखा ये चीज़ें तो बड़ी मुझे एंटिक सी लगी, तो मैंने बोला क्यों ना मैं खुद क्रिएट करूँ ये चीज़, तो मैंने ऐसे खुद क्रिएट की। मैं इसके अंदर जो है वो इसके काओ फुट के लैम्प हैं मेरे पास और काओ हॉर्न के टेबल स्टैंड लैम्प है मेरे पास और डिफरेंट डेकोरेटिव पीस हैं काओ हॉर्न के। मेरे पास फानूस भी है इसके काओ हॉर्न का। लैम्प बनाने में तकरीबन 1 महीना लगता है क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना उसको प्रिजर्व करना होता है, डिफरेंट केमिकल से गुजारना पड़ता है उसको स्टेजेस से, फिर उसके बाद जो है वो ये लैम्प तैयार होता है। तकरीबन 1 महीना लगता है इसको बनाने में। ग्लास टेबल बनाना इसकी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है। कहते हैं ना शौक़ का कोई मोल नहीं, इसलिए शाहनवाज अपने शौक़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं। हालांकि इन शोपीस को अभी वो मार्केट में बेच नहीं रहे हैं और मतलब इससे कोई पैसे भी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उनका शौक़ ही है जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। शाहनवाज ये भी कहते हैं कि अगर वो ये सारे काम जो है वो मीडिया पर पब्लिश कर दें और लोगों को बताएं तो उनके घर के बाहर लाइन लग जाएगी और लोग जो है वो उनसे तकाजे करेंगे कि जी हमें भी ये चीज़ बना दें, हमें भी ये चीज़ बना दें। तो शाहनवाज जो है वो उनका ये भी कहना था कि लैम्प बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि सबसे मुश्किल मरहला जो होता है वो ये होता है कि जानवर की जो खाल है या उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक केमिकल के थ्रू जो है वो उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म कर दी जाती है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में वो आपको मतलब उसमें से बदबू ना आए या इस तरह के प्रॉब्लम ना हो। तहम मेरे हिसाब से ये अपनी नौइयत के पहले आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान में इस तरीके का काम कर रहे हैं और इनकी पज़ीराई भी बिल्कुल होना चाहिए और पज़ीराई होने की वजह से ही ना होने की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो है वो लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ कितने टैलेंटेड लोग हैं, हमारे नौजवान कितने टैलेंटेड हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक और अछूती कहानी दिखाने में जो है वो हम कामयाब हुए और शाहनवाज जो है वो शौकिया जो है ये सारे काम करते हैं। तो आइंदा भी अगर इस तरह की कोई अछूती और कोई अमेजिंग स्टोरी मिली तो मैं आपके लिए लेकर ज़रूर हाज़िर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।